हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग चैनल आशीष सुनीता व्लॉग। और सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि अभी शाम का समय है, तो ये अभी ऑफिस से जस्ट आए हैं और अपना यूनिफॉर्म चेंज करके अभी पहन रहे हैं स्वेटर टी शर्ट जो भी है, मतलब ठंडी का जो कपड़ा होता है वो पहन रहे हैं, गर्म कपड़ा। चेहरा भी आगे साफ कर लीजिए। जैसे कपड़ा आपका, इनका कपड़ा एक दिन में ही गंदा हो जाता है, तो इनका चेहरा कितना गंदा होता होगा सुशी? तो कपड़ा चाहिए धुला हुआ पर डे, लेकिन चेहरा नहीं धुलना है। चेहरा में कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ तनीषा भी अपना कुछ देख रही है वीडियो वगैरह। आजकल के बच्चे को मतलब नहीं, इतना भी नहीं हो पाता है, चाहे आप देख लीजिए छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, मोबाइल तो सबके हाथ में कुछ ना कुछ टाइम के लिए चाहिए। मतलब अभी बच्चे लोग नीचे नहीं जा पा रहे खेलने के लिए, तो ये लोग का जो है ना मनोरंजन मोबाइल से ही हो रहा है। और अभी वैसे क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन सा फेस वॉश यूज करते हैं आखिर आप? फेस वॉश लग रहा है, हैंड वॉश कीजिए। फेस वॉश नहीं कीजिएगा, मेरा चेहरा ऐसे साफ होता है। साफ होता है? हाँ है जी साफ। तीन तीन धोइए, जल्दी पप्पी लीजिएगा। हाँ पप्पी लेंगे, धोइए। देखिए नहीं धोए ये देखिए, टॉवल का यूज पूरा हो रहा है इस घर में। तो थोड़ा कौन करता है, ये है इनका और वो है तनिषा का, तो भरपूर यूज कर रहे हैं ये लोग टॉवल का। और अभी होने वाला है, क्या होना है जी है? ऑफिस से भी फोन कर दिए, कल छुट्टी है। और ये देखिए यहाँ क्या क्या ला के रख दिए हैं, कल ट्यूसडे है और अभी मंडे का शाम को अभी मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ और अभी मुझे अपलोड भी करना है। और देखिए ये महाशय क्या क्या लेकर आए हैं, अब बोल रहे हैं मुझे क्या पता। वैसे है क्या क्या यार, आप ये वाला क्यों लेके, सॉल्टी वाला है ना वो? सॉल्टी? अरे वो आज मंडे है, आज मैं दूध पीऊंगा, दूध। वो लाइट ऑन कीजिए। ये चिप्स कौन वाला है? ओ चिप्स कौन वाला है? जो है वही है, जुलाई से लास्ट टाइम वही ना है। तो ये है दूध, अमूल दूध पीता है इंडिया। अरे मेरे घर में इतना लोग खाने वाले हैं कि मेरा फ्रिज खाली ही नहीं रहता है। कई दिन से आदमी भूखा मतलब ये जो फ्रिज है ना, ये ऊपर से नीचे तक पूरा भरा ही हुआ है, ठसम ठस भरा हुआ है। नहीं तो क्या क्या है जी, वो दिखाइएगा सभी को, दिखाइएगा आप लाए क्या क्या है। अब जल्दी बताइए। ए आप बहुत उतना मत डाला कीजिए ना, ये सोचते हैं ना कि मछली को एक ही बार हम 10 मिनट का खाना दे दे और मछली एकदम मेरी एकदम 10 इंच बढ़ जाए। बेचारे सुबह उठते हैं मछली को खान देते हैं, तो क्या है ये, तो पन्नी को ही समेटते रह जाएंगे। दिखाइए ना जी क्या है आज आपका मूड, बताइए सबको। मेरा मूड मेरा मूड है प्याज खाने का। अच्छा और चटनी और ये, ओ क्या है उसमें? इसमें है प्रोटीन। इनडायरेक्टली बहुत बातें करते हैं आप। हो में बा प्रोटीन, हे में बा काबा। तू ही जानत रहनु काबा, हमरा से कहे पूछे तरह? हम केकरा से पूछे जाएगी? तू जाने ला, तू ले आइल बार और तू बताओ काबा। ई में बा भरपूर आनंद और हाई में बा तमोमोज, हाई सफेद कर चटनी हो ललता, हाई बा मोमोज, हाई बा तुई मोमोज। देख लीजिए इनको, आप
पन्निया से क्यों कर रहे हैं? पगला गए हाँ पन्निया आपके चपेट क्यों रहे हैं? मैं काम उनका कर रहे हैं नहीं सब समेट रहे हैं रीयूज कर पाए इसको समझे? ओह अच्छा जैसे कभी डस्टबिन में डालना हो ऐसे ऐसे मोड़ मोड़ को फेंकते हैं कोई यूज नहीं होता है। अच्छा ये इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि अभी वीडियो बन रहा है तो दिखा रहे हैं कि हाँ हम भी मतलब कुछ करते हैं घर में। अच्छा। बस इनका दिखाने का मेन पर्पस यही है। हाइबा एंड हाइबा बेजाम से बोल थी कि हम दोनों के लिए छोटा आप कोल्ड ड्रिंक लेकर आइएगा। इन बस चाचा के चीप्स अंकल चीप्स और अभी मैं कुछ बनाऊंगी भी। क्या मुंह? हाँ मुंह सड़ा हुआ मुंह बनाइए। अभी मैं कुछ और स्नैक्स बनाने वाली हूँ चटपटा सा और मजेदार सा। एक क्या बोलते हैं पनीर टिक्का ना जी। एक तो सारा पन्नी हो गया। इतनी सारी पन्नी अगर मैं सुबह सुबह फेंक दूँ तो ये वेस्ट जाए। और इस सबसे अच्छा ये है कि जैसे डस्टबिन आप यूज करते हैं तो उसमें आप पन्नी में डाले करेंगे तो गीला कचरा जो होता है ना वो इधर उधर फैलेगा नहीं जहाँ आपको फेंकना है। ज्ञान बांट रहे हैं ज्ञान आज ही ज्ञान बांटना था इनको। लग रहा है ना कि चढ़ा कर आए हैं और इसीलिए ज्ञान बांट रहे हैं। क्या जी कि बिना चढ़े आप ज्ञान बांट रहे हैं आप हैं? चढ़ा के बांट रहे हैं ज्ञान या बिना चढ़ाए हैं? ज्ञान तो जो है ना बोलिए बोलिए पूछता है इंडिया। ये जो ज्ञान आप बांट रहे हैं ये चढ़ा लिए हैं ये बिना चढ़ाए? हाँ जल्दी कोई भूख लग रहा है। अब मैं चलूं इन सबको अच्छे से प्लेट में सर्व करने और दो तीन वैरायटी में अभी घर पे बनाने वाली हूँ कुछ मजेदार सा। पगला गए ये पूरा ही। चलिए मैं बनाती हूँ और इनको सर्व कर देती हूँ। यार इसमें आप लोगों को कुछ कम नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था? क्या बोलूं लेकिन ना आप दिखाना नहीं चाह रहे हैं लोगों को। पूरा पॉली बैग खाली हो गया सब कुछ तो मैंने निकाल कर रख दिया साइड में बचा क्या दिखाने? लोग पता है क्या बड़े वाले हैं आपके पास स्टॉक रहता है। अच्छा झूठो बदनाम कर रही है बुची हमारा के उठा उठा के मारना एकदम साथ साथ चलिए फ्रेंड्स मैं अभी थोड़ा सर्व कर देती हूँ सारा कुछ को निकाल देती हूँ प्लेट में। तो गाइस इनको चर गई है। क्या हाल है और तुम? मैं आपकी डार्लिंग। इतनी भारी डार्लिंग मेरी नहीं हो सकती। लीजिए भारी इंसान की भी डार्लिंग उसकी भारी ही ना होनी चाहिए कि जो भारी भर कम है उसकी एकदम हवा पहलवान। अगर आप हवा पहलवान रहते और हम मोटे रहते तो अच्छा नहीं ना लगता। अब आपके जैसा मैच होने के लिए मैं भी अपने आप को आपकी तरह बना रही हूँ पता है आपको। सोचिए जरा। सोच लिए तो फ्रेंड्स आप लोग प्लीज जाकर इंस्टाग्राम पे पुनीता तनीषा 1228 को जाके फॉलो कर लीजिए और मैं बहुत ही मजेदार रील बनाते रहती हूँ। मजेदार तो क्या वही उछल कूद करने वाले मजेदार बोलते हैं यार। तो उछल कूद मतलब क्या? मैं यहाँ से 9 तला से नीचे कूद जा रही हूँ क्या? वैसा कुछ मैं कर रही हूँ। ऐसे घूरते ही क्यों है मुझे ये नहीं पता चलता है। देख लीजिए आई लव यू आई लव यू। देख लीजिए बोलने में शर्मा रहे हैं पहले शादी से पहले हमेशा आई लव यू आई लव यू आई लव यू। अब पता नहीं मन करता है इनको बोलने का कि आई हेट यू है ना। आई लव यू को रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। वाह 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 आपको पता है कितने आशिक मरते हैं मेरे ऊपर। और एक ये है जिनको मैं भाव देती हूँ वो अपने ही भाव में रहते हैं। कितने आशिक मरते हैं तो उसी में से एक आप भी थे जो आप बच गए।
सही बात, हजारों की भीड़ में हम भी खड़े थे और अभी भी खड़े हैं। अभी अभी हजारों की भीड़ में नहीं, अभी इकलौते आप ही हैं। अच्छा, बाकी सब जाएगा भाड़ में और आप जाएंगे। क्या कहना क्या चाहते हैं? कहा जाए, क्या कहना चाहेंगे? एक गलत बात। क्या गलत बात? नहीं बताएंगे। क्या गलत बात? सबके सामने बताए क्या 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 कर रहे हैं? तो ये भाई साहब का कल छुट्टी है और इसीलिए आज ये एंजॉय कर रहे हैं। क्या एंजॉय कर रहे हैं? करेला का जूस और आंवला का जूस एंजॉय कर रहे हैं। वो तो आप ही जानते हैं आप क्या एंजॉय कर रहे हैं, और सारे लोग जानते हैं। इतना कुछ आप पहले दिखा दिया है ना कि सब यहाँ कोई भगलोल नहीं है आपकी तरह, सब इंटेलिजेंट है आपकी तरह। तो क्या, तो गाइस ज़्यादा बोर नहीं कर रही हूँ आपको, बस मैं मुझे जाकर आप लोग फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर, और बताइए कि इंस्टाग्राम पे मुझे किस तरीके से और वीडियो बनाना है, रील बनाना है, किस टाइप का रील बनाऊँ, सॉन्ग या फिर कुछ बदला। मेरा मतलब है कि किस टाइप का, मतलब एक होता है ना डायलॉग बाजी करने वाला। डायलॉग बाजी कोई पसंद नहीं करता है। डायलॉग बाजी या फिर कुछ सॉन्ग, डायलॉग बाजी क्यों नहीं पसंद करता है लोग? करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन मुझे नहीं करना है डायलॉग बाजी। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है डायलॉग बाजी को सर्च करने में। हमें चाहते कुछ अच्छे अच्छे सॉन्ग पर क्या कहते हैं नौटंकी रील्स बनाऊं, क्योंकि डायलॉग बाजी करके ना यार जो फ्री बैठे हैं छोड़ी नहीं बोलूँगी, तो इसलिए क्या अपना टाइम और दिन खराब करना है ना। ओह ठंडा हो गया इनका, ये अब ठंडा हो गया, अब बोले गर्म करके लाओ। यार यही यही फायदा है शादी करने का। लोग कहते हैं ना कि शादी प्रैंक देखे, तो आप लोग कहते होंगे कि शादी करे या ना करे, भाभी ऐसे कूटती है भैया को, लेकिन आपको नहीं पता है कि ये मेरे से कितना काम करवाते हैं। तो चलिए मैं इनका इसे सोया नहीं, क्या है यार मैं इसका नाम ही भूल जाती हूँ, मलाई चाप को मैं गर्म करूँ अपने पति देव की जो वो इच्छा है उनकी, उससे मैं पूरा करूँ, और आप लोग कल के ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि कल के ब्लॉग में कुछ स्पेशल होगा, धमाल होगा, क्योंकि कल इनका वीक ऑफ है, तो कुछ मज़ेदार सा ब्लॉग हम लोग अपलोड करेंगे कल, ठीक है? तो बाय फ्रेंड्स।